फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर्स। सब कैसे, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आज मैं फिर से हाजिर हो गया SP125 जो कि 2023 न्यू मॉडल है, OBD2 सेंसर के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। लॉन्ग टाइम पीरियड वेटिंग करने के बाद मुझे आज ये बाइक मेरे सामने हाजिर है। तो इस बाइक के बारे में डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू आनंद होंडा बॉमनाली फॉर प्रोवाइडिंग दिस बाइक। अगर आप होंडा का कोई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, बैंगलोर से बिलोंग करते बॉमनाली के नज़दीक से, आप ज़रूर इस शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को शोरूम का एड्रेस डिटेल्स सामने दिख रहा होगा। तो चलिए अभी हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर बाइक के साथ मिलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, इस शोरूम में टेस्ट राइड भी अवेलेबल है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दिया है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका कलर स्कीम के बारे में बात करते हुए। सबसे पहले ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये पहले ब्लैक में आया करता था, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर ऐड कर दिया गया, तो ब्लू और नियन कलर के साथ आ रहा है। और पहले सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 5 कलर ऑप्शंस मिल जाता है, पर्ल सरेन ब्लू, इम्पीरियल रेड मेटालिक, मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, ब्लैक मैट मार्बल ब्लू मेटालिक। तो ये कलर न्यूली ऐड कर दिए गए हैं, पहले ग्लॉजी फिनिश के साथ आया करता था, लेकिन अब ये मैट कलर के साथ आ रहा है। लेकिन अब ये चेंजेस, और एक चेंजेस दिखा देता हूँ। ये ब्लैक में आया करता था, ये ब्लू कलर के साथ ऐड कर दिया गया, और जो ब्लू कलर में आया करता था उसमें ब्लैक कलर ऐड कर दिए गए, तो ये भी बढ़िया है। अभी हम बात करेंगे आगे जाके इसका जो चेंजेस है, 4 to 5 न्यू चेंजेस कर दिए गए हैं, उसके बारे में 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है इसका एग्जॉस्ट मफलर, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जॉस्ट का जो पाइप है इसे थोड़ा सा पतला कर दिया गया है, तो यहाँ से आप देखिए। और इसका जो हीट शील्ड है इसे भी चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, क्रोम प्लेट के साथ आता है। पहले और एक पार्ट था मेटल में आया करता था इसके नीचे मैट ब्लैक कलर के साथ, तो उसे चेंज कर दिया गया है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये यहाँ तक आया करता था, तो इसका क्या रीज़न है थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो बाइक है ये भी मैं ओन करता हूँ, ये 2022 वाला मॉडल। तो उसमें क्या होता था, हेवी पिलियन कोई भी बैठेगा ना, तो बैठते ही थोड़ा सा ये वो वाला प्लेट जो था थोड़ा सा बेंट हो जाता था, मेरे को पहले ही दिक्कत आया था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उसको चेंज करके ये एक्सटेंड कर देने का। तो सेकंड चेंजेस के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आप टायर्स देख सकते हैं, MRF का नाइलो ग्रिप सेपा टायर दिए गए हैं, और टायर सेक्शन पहले 80 में आया करता था, लेकिन अब ये 100 by 80 इंचेस का रिम के साथ आ रहा है। और यहाँ पे एलॉय व्हील 5 फोक्स का दिए गए हैं, तो टायर्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी ये रोड ग्रिप थोड़ा सा पहले से बढ़िया मिलने लगेगा। तो होंडा इस बात से आप लोगों को साबित हो जाता है कि होंडा अपने कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का कॉम्प्लेंस था कि इस बाइक का टायर को अपग्रेड कर दिया जाए, पीछे का टायर जो 80 सेक्शन का था, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। इवन ये वाला दिक्कत आप लोगों को और ज़्यादा दिखने को मिल जाता है बारिश के मौसम में। तो ये फाइनली अपग्रेड करने के बाद ये बात साबित हो गया कि होंडा अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं। इसके आगे जाके हम थर्ड चेंजेस के बारे में बताएंगे, तो कलर स्कीम तो आप लोगों को जो ग्राफिक्स का कलर दिख रहा है वैसे ही दिखने को लगेगा, इसमें आप लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे SP125 का जो ग्राफिक्स दिख रहा है इसे थोड़ा सा बदल दिया गया है, और ये पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ब्लैकआउट किया गया है, तो बढ़िया लग रहा है ग्राफिक्स। सो फोर्थ चेंजेस किए गए हैं इसका पेट्रोल टैंक के ऊपर, यहाँ देख सकते हैं E20 का स्टिकर दिख रहा होगा। तो इन फ्यूचर इंडिया में जब इथेनॉल के साथ पेट्रोल आएगा, यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल के साथ जब पेट्रोल लागू हो जाएगा, तब के लिए ये बाइक अभी से रेडी कर दिए गए हैं। इसका इंजन का पावर एंड टॉर्क में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, थोड़ा सा फ्यूल पंप में काम किए गए हैं जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया है। तो इंजन के बारे में थोड़ी देर में बताने वाले हैं, नहीं अभी बता ही देता हूँ। सो इंजन यहाँ पे 123.94 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल्ड ऐसा इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 bhp का 7500 rpm पर, एंड मैक्सिमम टॉर्क 10.9 Nm का 6000 rpm पर। तो पावर एंड टॉर्क सेम ही मिल जाता है, और ये इंजन थोड़ा सा टॉर्की है, कूलिंग आपको जो मिलना चाहिए वो अच्छा खासा मिल जाता है, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है।
तो चेंजेस के बारे में सभी बता दिया है, अभी हम बाइक का जो डिटेल्स है थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। तो शुरुआत करना चाहते हैं इसका फ्रंट से। तो फ्रंट में आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं विंडशील्ड मिल जाता है, होंडा का एक स्टिकर मिल जाता है यहाँ पे, नीचे एलईडी सेटअप मिल जाता है, फुल्ली एलईडी सेटअप यहाँ पे एलईडी मेंशन कर दिए गए हैं। और इसे इग्निशन ऑन करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले की को दिखा देते हैं, सिंपल सा होंडा का लोगो के साथ की मिल जाता है, इसे भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो फुल्ली एलईडी सेटअप दिए गए हैं, और ये आप देख पा रहे हैं ये अभी लो बीम में है, नीचे की तरफ जो है वो हाई बीम है, तो उसे भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे स्विच मिल जाता है, ये पास का स्विच, और यहाँ पे आगे की तरफ ये हाई बीम है, तो हाई बीम और लो बीम के साथ ये कुछ इस तरह से दिखने को लगता है, और ये पास। इसी के साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट नोट है उसको भी ज़रा सुना देते हैं, उसमें हम चेक करना है उसका जो एग्जॉस्ट नोट है इसमें कोई बदलाव किया गया कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ बहुत ही साइलेंटली ये स्टार्ट होता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो इंजन का मोटर है, तो स्टार्टर जो मोटर है उसमें काम किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फिर से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये ऑफ हो गया और ये फिर से ऑन। तो मेरे को उतना डिफरेंस पता नहीं चला, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट लगभग सेम ही लग रहा है मेरे को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एग्जॉस्ट नोट, आप ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पीछे की तरफ चले आएंगे तो यहाँ पे तो इसका शेप देख सकते हैं, यहाँ पे बल्ब भी मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किए गए हैं ये आप देख सकते हैं दोनों साइड, इसका शेप भी काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर प्लेट के लिए लाइट दिए गए जो कि बल्ब के साथ आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए प्लेस किए गए हैं, टर्न सिग्नल बल्ब में मिल जाता है। तो सामने से ही दिखा देते हैं, तो ये काफ़ी ब्राइट लग रहा है दिखने में, और ऊपर में आप लोगों को थोड़ा सा टेक्सचर भी मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है, आई थिंक ये 31 mm का हो सकता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है दोनों तरफ, और यहाँ पे मड गार्ड देख सकते हैं, इसका क्वालिटी भी बढ़िया है। तो अब इसका टायर्स के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइलो ग्रिप जेपा टायर मिल जाता है, और सामने यहाँ पे 80x100 सेक्शन का टायर मिल रहा है, 18 इंचेस का एलॉय व्हील के साथ। तो दोनों ही तरफ सामने और पीछे दोनों ही तरफ आप लोगों को 18 इंचेस का एलॉय व्हील मिल जाता है। और एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कैलीपर, ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है, निसिन का कैलीपर मिल जाता है जो कि प्रीमियम ब्रांड है। और डिस्क साइज़ के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे 240 mm का डिस्क मिल जाता है, ड्रम और डिस्क दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, पीछे आप लोग को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो टायर्स पीछे का मैंने बता ही दिया है पहले, इसमें 100 सेक्शन के टायर दिए गए हैं, 18 इंचेस का एलॉय व्हील के साथ आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ ड्रम और डिस्क वेरिएंट जो है दोनों का ही मैंने प्राइस डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पे दे दिया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ऑन रोड प्राइस बेंगलोर में कितना हो सकता है। और इसी के साथ साथ इसका जो डायमेंशन के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। इसमें जो ओवरऑल लेंथ दिए गए हैं 20-22 mm का दिए गए हैं, व्हील बेस 1285 mm का दिए गए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का दिए गए हैं जो कि डिसेंट है, कर्व वेट 116 kg का मिल जाता है जो कि बहुत ही लाइट वेट बना देता है इस बाइक को। और सीट हाइट के बारे में बताएंगे तो सीट हाइट यहाँ पे 790 mm का दिया गया है। तो इसका सीट हाइट के बारे में बता देते हैं ज़रा, सीटिंग कम्फर्ट और कुशनिंग और सीटिंग स्पेस तीन ही आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस बाइक से, सीटिंग स्पेस
काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप बैठने के बाद पीछे दोनों को आराम से बैठा के चला सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और इसका जो कंफर्ट है, कुशनिंग अच्छा जी अच्छे मिल जाता है, राइडर और पिलियन दोनों का ही कुशनिंग अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब कोई भी पिलियन को, लेडीज़ पिलियन को आप पीछे लेके, एक फैमिली या बाइक है ये, तो लेडीज़ पिलियन को पीछे लेके जब आप राइड कर रहे हो, शी कैन कम्फर्टेबली राइड विद दिस। इसके बाद हम इसका पेट्रोल टैंक के बारे में बताएंगे। सो यहाँ पे पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो दिया गया है 11.2 लीटर्स का दिया गया है। टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छे है इस बाइक का, क्योंकि मैं अभी जो बताने वाला हूँ इसका जो माइलेज आप लोगों को बेहतरीन मिलने वाला है। अगर आप जैसे तैसे राइड करो, हाईवे सिटी मिला के राइड करो, आप लोगों को लगभग फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद लगभग आप लोगों को 70 मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और अपना एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर कर दिया। तो आप मान के चलिए, कैसे भी चलाइए, 65-70 का माइलेज आप लोगों को आराम से मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि बाइक दिखने में भी बहुत ही बड़ा लगता है, और इस बाइक से आप मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा आगे ही निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा का 3D एम्बलम के साथ लोगो दिया गया है, और पैनल का जो क्वालिटी है फाइबर में मिल जाता है। पेट्रोल टैंक को देखेंगे तो पेट्रोल टैंक आप लोगों को मेटल में मिल जाता है। इसके अलावा ये जो पैनल है, ये पैनल साइड पैनल, ये जो पीछे का काउल है, ये पैनल है, ये सभी आप लोगों को फाइबर में मिल जाता है। यहाँ पे SP125 का स्टिकर, नीचे इन्हांस स्मार्ट पावर का स्टिकरिंग दिए गए हैं, होंडा का लोगो, और एक चीज़ आप देख सकते हैं किक स्टार्टर मिल जाता है, जो कि आजकल बहुत सारे बाइक्स में नहीं देते हैं। लेडीज़ फुटरेस्ट जो है ये आप लोगों को फोल्डेबल मिल जाता है, और यहाँ पे पीछे का सस्पेंशन, यहाँ से आप देख सकते हैं स्प्रिंग लोडेड एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं ऑन बोथ साइड्स, और इसका सस्पेंशन का जो कम्फर्ट है, सीटिंग कम्फर्ट है, दोनों मिला के ये बहुत ही बेहतरीन कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। सारीगढ़ में आ जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका फाइबर का क्वालिटी, जो सारीगढ़ का डिज़ाइन है उसके साथ, और जो फुटरेस्ट है वो आप लोगों को मेटल के साथ मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये लगभग आप लोगों को होंडा का सारे बाइक्स में मिल जाता है, 125cc सभी बाइक्स में आप लोगों को ऐसे ही मिल जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे देख सकते कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं टायर्स के बारे में, फुटरेस्ट, यहाँ पे गेयरबॉक्स 5-speed का गेयरबॉक्स दिया गया है, जो कि 1 down and 4 up शिफ्टिंग में वॉक करने वाला है। तो गेयरबॉक्स काफ़ी स्मूथ है, मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही घिस के चला के दिखा है। मैं ये जो गेयरबॉक्स है बहुत ही काफ़ी सूटेबल है और कंफर्टेबल है, जब आप इसे राइड करोगे तब आपको पता चलेगा। आप डे टू डे लाइफ में हर रोज़ आप इसे यूज़ करो कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और साथ ही में इसका जो क्लच लीवर है वो भी काफ़ी लाइट मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा खासा राइड आप लोगों को इस बाइक से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ इसको हैंडल बार के बारे में बताएंगे, तो हैंडल बार आप लोगों को कंप्यूटर बाइक्स में लगभग जैसा डिज़ाइन आता है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे भी दिखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, अपराइट राइडिंग पोजीशन है, और मिरर्स फोल्डेबल है, जैसे आप लोगों को दूसरे होंडा के बाइक्स में दिखाई देगा। तो स्विच गियर्स, उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं होंडा का लोगो दिए गए, मीटर कंसोल के बारे में बताएंगे, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को न्यूट्रल का साइन दिखाई देगा, टर्न सिग्नल फिर से एक बार ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे इंजन मलफंक्शन लाइट, और यहाँ पे इको इंडिकेटर दिखाई देगा। तो इस इंडिकेटर की वजह से आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो राइडिंग है, आप जब अब जो स्पीड मेंटेन करके चला रहे हैं उससे आप अच्छा खासा माइलेज गेन कर पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ स्पीडोमीटर, क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो कि बहुत सारे बाइक्स में मतलब 150cc का बाइक्स में भी नहीं मिलता है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल गेज मिल जाता है, तो सेट एंड मोड का बटन मिल जाता है, सेट करके यहाँ पे टॉगल करके देख सकते हैं, और क्या मिल जाता है, रेंज मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, तो लगभग आप लोगों को जो 125cc बाइक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा सा और एक अपग्रेड कर देना चाहिए था, ब्लूटूथ इनेबल कर देना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ होंडा आगे जाके इसे भी अपग्रेड कर देगा। तो इसी के साथ साथ इसको ऑन ऑफ कर देते हैं, और ये ऑफ करने से पहले स्विच गियर के बारे में बता देते हैं। स्विच गियर आप लोगों को डिसेंट मिल जाता है,
यहाँ पे हॉर्न, तो हॉर्न सिंगल हॉर्न दिया गया है, हॉर्न का जो साउंड है वो भी डिसेंट है। और यहाँ पे आप पास का साइज, मतलब पास का जो स्विच देख सकते हैं, ये पास यहाँ पे दिखाई होगा, और हाई बीम ये लो बीम रहेगा, और टर्न सिग्नल, और यहाँ पे राइट साइड में एक ही बटन मिल जाता है, इसी के अंदर ही आप लोगों को स्टार्टर बटन और इंजन किल स्विच का ऑप्शन दिए गए हैं। और एक चीज़ बताना चाहता था, यहाँ पे आप लोगों को डबल स्टैंड भी मिल जाता है, और सिंगल स्टैंड जो है इसके अंदर आप लोगों को सेंसर दिए गए हैं, जो कि साइड स्टैंड इंजन कटऑफ फीचर्स कहला जाता है। तो साइड स्टैंड डाउन हो जाएगा तो आप गियर डालोगे तो बाइक आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इसी के साथ साथ बाइक का जो रिव्यूज़ है यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और आप लोगों का क्या राय है, अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहिए और बहुत मस्त रहिए।